हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि जनवरी में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये लास्ट वीक चल रहा है जनवरी का, तो इनमें कुछ ऐसे काम करें जो हमारे काफ़ी अच्छे फायदेमंद रहे हमारे लिए। तो ये देखिए, मैंने कुछ ये कटिंग लगाई है, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये बोगनवेलिया की कटिंग दिख रही है आपको, है दिख रही है आपको। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी, तो इसमें भी ये शूट्स स्टार्ट हो गए हैं। ये वाला देखिए इधर, ये वाला देखिए, ये वाला शूट्स काफ़ी अच्छा निकल आया है। तो ये शूट स्टार्ट हो गए हैं, इसमें कुछ ये इसमें भी स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। क्योंकि अभी वेदर बहुत अच्छा है, तो आप अभी बोगनवेलिया की कटिंग लगाना चाहें तो लगा लीजिए, ग्राफ्टिंग करना चाहें तो लगा लीजिए, कर लीजिए ग्राफ्टिंग। और अगर आप अभी रोज़ की कटिंग लगाना चाहें तो वो भी लगा लीजिए, क्योंकि अभी रोज़ की कटिंग भी आसानी से चल जाएगी, आपको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी लगा देंगे तो 10 दिन तो ठंडक ठंडक में निकल जाएंगे, उसके बाद में आपको काफ़ी मौका मिल जाएगा। और फरवरी में ग्रोथ काफ़ी होती है रोज़ की, तो फरवरी में खूब ढेर सारी ब्रांचेस आएंगे, खूब ढेर सारे फूल खिलेंगे। तो आप रोज़ की कटिंग लगा लीजिए, हिबिस्किस की कटिंग लगा लीजिए। ये देखिए, आज ये खिला है, कल थोड़ी सी धूप निकली तो ये खिल गए थे एक दो प्लांट, और सुंदर कलर लग रहा है ये इसका। और कुछ ये एक दो खिल रहे हैं, धीरे धीरे करके खिल रहे हैं प्लांट के, जो हिबिस्किस के फूल हैं वो। और इसे तो 3 दिन 4 दिन हो गए खिले हुए, अभी भी अच्छे से चल रहा है, खिला हुआ है फूल ये। तो अभी आप हिबिस्किस की कटिंग लगा सकते हैं, ये कोलिस की कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये कटिंग्स लगाई थी तो ये चल गई है, ये देखिए है। तो ये मैंने कोलिस की कटिंग भी लगाई थी, तो आप इन्हें भी लगा सकते हो, इजीली लग जाएगी अभी। और ये मैंने डहलिया भी लगाया था, तो मुझे लग रहा है ये भी चल गया, इसमें भी रूट आ गई। पत्ती लगाई थी ये मैंने, ये देखिए डहलिया की मैंने पत्ती लगाई थी, तो ये इजीली चल गई। मैं आपको चाकू वगैरह से निकाल के दिखाऊं। वैसे मेरे पास डहलिया काफ़ी प्लांट हो गए हैं, काफ़ी कटिंग से भी लगाए थे, पर मैंने ये आपको दिखाने के लिए लगाया है। तो मैं चलो भी दिखा देती हूँ, बस ऐसे एक्सपेरिमेंट के लगाया कि पत्तियाँ भी चल जाती हैं, नहीं चलती हैं। तो ये इजीली इसकी पत्ती लग गई है ये, और शायद में हाँ ये रूट भी निकल आई, देखिए ये पत्ती में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये डहलिया की पत्ती में रूट बन गई है। तो आप डहलिया को पत्ती से भी लगा सकते हैं इस समय, देखिए कितनी अच्छी रूट बनी है, काफ़ी बड़ी बड़ी बनी है। मैं इसे साफ़ पानी से और धुल के दिखाऊँ। ये मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं करती रहती हूँ, जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहे कि हाँ ये कौन कौन से प्लांट पत्तियों से लग जाते हैं। डहलिया के प्लांट मेरे बहुत हैं और कटिंग से भी लगाए हैं मैंने, पर मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि पत्तियों से आप प्लांट लगा सकते हो, तो उसमें मैंने ये देखिए, ये अच्छा खासा ये लग गया है, बहुत बढ़िया चल रहा है ये पत्तियों से लगा हुआ। तो इसे फ़िलहाल मैं इसमें लगा देती हूँ, और ये इसमें फंगल इन्फेक्शन शुरू हो गया बारिश की वजह से। अभी मैंने रिसेंटली इसकी मिट्टी रिपोर्ट की थी, तो ये ख़राब हो गया है, ये इसे भी नीचे ले जाना पड़ेगा वरना सड़ जाएगा बिल्कुल। तो फिलहाल मैं इसे पत्ती को इसमें लगा देती हूँ, इसी में देखिए है, ये पत्ती से भी ग्रो हो जाते हैं डहेलिया है, तो आप पत्ती से भी लगा सकते हैं। तो पत्तियों से ऐसे बहुत से प्लांट्स से तो आप ग्रो कर सकते हो, इस तरह से आप कलांचो भी पत्ती से लगा सकते हो। ये तो मैंने खैर प्लांट लेके आई थी तो ये लगाया था मैंने, तो आप पत्ती से इसे भी लगा सकते हो, बहुत ईजीली लग जाएगा। इसकी एक पत्ती ऐसे लीफ लीजिएगा, ऐसे ऐसे और इस तरह से ऐसे करके ऐसे मिट्टी में डाल दीजिएगा, तो ये इजीली लग जाता है बिना किसी उसके, ये चल जाएगा। तो आप इस समय कटिंग भी लगा लो, कलांचे वगैरह की कटिंग लगा के रख लो अलग अलग छोटे छोटे पॉट में, कोलियस लगा लो, बर्बीना लगा लो, पिटूनिया की भी कटिंग चल जाएगी वो भी लगा लो। अभी आप जरवेरा को भी डिवाइड कर सकते हो, अगर आपके पास बुशी प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो आप उसे जरवेरा को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हो। बहुत सारे प्लांट अभी आप इसमें केयर कर सकते हो, अपने प्लांट की देखभाल करो और ढेर प्लांट रेडी कर सकते हो। जैसे मेरा ये बुशी प्लांट है, काफ़ी बुशी प्लांट हो रहा है, तो इसको हम इसे कर सकते हैं डिवाइड। ये मेरे लास्ट ईयर का ही है प्लांट, और इसमें ढेर सारी ये निकल आई हैं फालतू की चीज़ें, जो मेरे जरवेरा प्लांट को मार डालेंगी, ये खट्टी बूटी जिसे कहते हैं, तो इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने जरबेरा को भी अभी डिवाइड कर सकते हो। और सर्दियों में गुलदाउदी की कटिंग भी लगा सकते हो, अगर आपके पास कोई प्लांट नहीं है तो आप उनके नीचे से अपने फ्रेंड के यहाँ से किसी के यहाँ से शक्कर्स वगैरह ले आइए, उनकी शक्कर निकलती रहती है,
तो अभी कोई बना भी नहीं करेगा देने में, तो आप इन्हें निकाल निकाल के ऐसे लगाते रहिएगा। और ये देखो ये मेरे नेस्टेशियम चल रहे हैं, अच्छे से चल ही रहे हैं। तो आप अभी डैंथस की कटिंग लगा लीजिए। और ये कोलियस की कटिंग देखिए, ये मैंने एक कटिंग लगाई है, तो ये भी मैं किसी को दे दूंगी। तो ये कटिंग लगाई है। अभी आप ये बाइन भी लगा सकते हो, टर्टल बाइन वगैरह है, इनकी कटिंग लगा सकते हो। तो अभी कटिंग के लिए, कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा मौसम है, आप कटिंग लगाइए। और ये आप देसी गुलाब भी लगा सकते हो कटिंग के थ्रू, ढेरों कटिंग तैयार कीजिए। सब्जियों में बैंगन वगैरह, टमाटर वगैरह की भी कटिंग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अभी चल जाएंगी, बहुत इजीली चल जाएंगी। तो अगर आपके पास गमलों की परेशानी है तो आप पॉली बैग में कट कर करके लगाते रहिएगा, तो उसमें भी चल जाते। ये मैंने कुछ रोज़ की कटिंग लगाई है, ये देखिए। तो अभी इन्हें कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगती है तो कवर करना ज़रूरी हो जाता है कि मॉइस्चर उड़ जाएगा। अभी मॉइस्चर उड़ेगा भी नहीं, इस तरह से रखिएगा। और ये मैंने बोगनविलिया की कुछ कटिंग्स लगाई थी, देखिए ये। और अभी आप पीस लिली को भी डिवाइड कर सकते हो, बहुत आसानी से डिवाइड हो जाएंगी पीस लिली। जो भी पीस लिली वगैरह है आप उन्हें डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए मेरी पीस लिली है, तो इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। मेरे 3-4 प्लांट है पीस लिली के। क्रूटन वगैरह को भी आप कटिंग से लगा सकते हो, क्रोटन बहुत आसानी से हो जाते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी भी लगा सकते हो अभी कटिंग के थ्रू, चाहे सीड के थ्रू। मेरी तो मॉर्निंग ग्लोरी बहुत निकल रही है, ये देखिए जगह जगह। एक ये है मॉर्निंग ग्लोरी, एक ये है, ये है, ये है, बहुत हर जगह मेरी मॉर्निंग ग्लोरी निकल रही है। तो आप उन्हें भी कटिंग से लगा सकते हो। थुनबर्गिया को कटिंग से लगा सकते हो, अभी जितनी भी कटिंग लगानी है आप लगा लो। ये मेरा सनफ्लावर भी चल रहा है, देखिए आप कितना अच्छा चल रहा है, हेल्दी प्लांट है। तो क्योंकि ये कट्टे में लगा है तो पानी रुक नहीं रहा है, इजीली ये चल रहा है। इस तरह से आप लगा लो, कटिंग्स काफ़ी आराम से लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा लगने को तैयार हो जाती है कटिंग। तो आप आसानी से लगा सकते हो कटिंग को, ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हो कटिंग से। अभी मौसम इतना अच्छा है कि आप इजीली लगाओ और ढेरों प्लांट मिल जाएंगे आपको। और ये अपराजिता मल्टीपटल है मेरे पास, ये पिछले साल का ही प्लांट है मेरे पास, मैं लास्ट में लाई थी बिल्कुल। तो ये सीड है इसके, तो मैं इसी में डाल दे रही हूँ, अपने आप ये ग्रो हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। आप चंपा वगैरह की भी कटिंग लगाना चाहें तो अभी लगा सकते हो, क्योंकि फरवरी मार्च फिर इसी में निकल जाएगी आपकी। कटिंग से इतना काम आपका बच जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कटिंग लगाने के बाद में इसे शेडी एरिया में रखिए, ऐसी जगह जहाँ इस पर पानी डायरेक्ट ना पड़े, है ना। ये देखिए हिबिस्किस की कटिंग वगैरह मैंने कुछ लगा रखी, तो ये सभी तैयार हो गई हैं। ये तो खैर मैंने बारिश के टाइम पे लगाई थी, सर्दी आ गई तो इनकी ग्रोथ रुक गई। अभी धूप वगैरह निकले तो बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होगी। अगर आप सदाबहार की कटिंग लगाना चाहें तो अभी कटिंग लगा सकते हैं आप। और ये इस तरह से आप नागचंपा की कटिंग लगाओ, ये पिटूनिया की कटिंग लगाओ, मैक्सिम पिटूनिया है, स्पाइडर प्लांट है, इन सब की कटिंग लगा लगा के तैयार कर सकते हो ढेरों प्लांट। सनफ्लावर को भी कटिंग से लगा सकते हो, आप देख सकते हैं सनफ्लावर कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। बालसम को भी कटिंग से अभी लगा लो, ये मेरे अभी सीड पॉड रेडी हो रहे हैं इनमें, ये देखिए है, ये सभी सीड पॉड इनमें तैयार हो गए हैं। ये तो मैं इसी में डाल देती हूँ अभी। और ये थोड़े से प्लांट इधर भी मैंने तैयार रखे करके रखे हुए थे, स्वीट पी वगैरह जो सर्दियों के प्लांट हैं। तो अब सर्दियाँ तो सब ऐसे ही निकल गई, फूल खिले ही नहीं, धूप नहीं निकली, महीना भर हो गया धूप नहीं निकल रही है। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है इनका भी। सदाबहार की कटिंग लगाओ, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हो, बेला की कटिंग लगा सकते हो, जितने भी चाहे आप प्लांट कटिंग लगा के रख सकते हो। बल्ब है आपके पास तो बल्ब लगा दीजिए, सब काम अभी कर लीजिए ये लास्ट वीक में, जैसे ही आपके यहाँ बारिश रुकती है वैसे ये काम शुरू कर दीजिए। और इन सब ज़रूरी काम को निपटाइएगा, ढेरों प्लांट कटिंग से तैयार कर सकते हो अभी आप। रोज़ की कटिंग भी लगा सकते हो, क्योंकि इन्हें अभी कवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली ये तैयार हो जाएंगे, रोज़ के प्लांट भी है ना। तो अभी इन्हें तैयार कर लीजिए, कटिंग लगाइएगा ढेरों और इजीली चल जाएंगे। बस सैंडी सॉइल रखिएगा जिससे कि बारिश का कोई असर ना हो। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो कटिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम, तो आप कटिंग लगाइए ढेरों सारी, है ना। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।